नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखमद्दतपुर गांव में गुरुवार को सुबह खेत में गए पीड़ित राव सुरेश को उनके पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया और शोर मचाने पर बचाने आई उसकी पत्नी तेतरी को भी मारा पीटा। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत जीनपुर कोतवाली पर की तो हमलावर पटीदारों ने एक के वाराणसी में सिपाही पद पर तैनात होने के चलते स्थानीय पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और डांट कर भगा दिया। पीड़ित दंपति ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके पटीदार बजरंगी पुत्र दुखंती सिपाही पद पर तैनात हैं। बजरंगी अभिषेक पुत्र दुखती, आदित्य पुत्र जितेंद्र, अमृता पुत्री जितेंद्र ने पहले खेत में मारपीट की, फिर घर में घुसकर मारपीट की। पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई न्याय नहीं मिला। ऊपर से यह कहकर भगा दिया कि सिपाही से मारपीट करते हो। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या कहा। क्या नाम है? सुरेश है। आगरा में? सुखमदत नगर। कौन सा थाना? जीनपुर। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? हम शौचालय करने गए थे, वहाँ पे ये लोग आ गए और पीछे से मारने लगे। कौन लोग थे? बजरंगी, अभिषेक और आदित और वो क्या नाम, अमृता। इसलिए आपको मारे? वो पहले से थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ था तो उसी के चलते लोग मारे हैं हमको। कैसे लोग हैं? दबंग टाइप हैं? हाँ, दबंगा टाइप हैं। वो सिपाही है सर। कहाँ पोस्ट है? बनारस में है सर। क्या नाम है उनका? बजरंगी। छुट्टी पे आए थे? हाँ, छुट्टी पे आए थे क्या? वो बोल रहे थे कि हमारी सड़वाइन की शादी है और घर में लुक के हमारे पटीदार हैं सर, और लुक के हम लोग जान भी नहीं पाए, पीछे से वार किए हम लोग छुपे छुपे से। वहाँ थाने पर आप गए थे? थाने पर सर गया था। तो थाने पर क्या बोले? वो बोले कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्हीं के जो पक्ष में बात करें कि स्टाफ का आदमी है, सिपाही है, उससे तुम झगड़ा मार करते हो, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। कार्यालय पर आए हैं यहाँ भी बोले ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, यही बोले। क्या चाहते हैं? साहब कार्रवाई बहुत बढ़िया करे उनकी, पुलिस की नौकरी हम चाहते हैं खत्म हो जाए तो सही रहे, इतना हम लोगों को परेशान कर दिया है वो। अगला चार पांच बार मार चुका है वो। कार्रवाई कोई नहीं? हाँ, कार्रवाई आज तक सुनवाई नहीं, वो खाली बस अपना मिला लिया है अपना थाने थाने से। चाहते हैं कि आप सब न्याय हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।